मैं हूँ आपका दोस्त और आपके चैनल का होस्ट महेंद्र मनोहर। और फिर से एक न्यू व्लॉग मैं आपके लिए लाया हूँ। अभी मैं कानपुर सिटी में हूँ, यहाँ फूलबाग में रुका हूँ। तो अभी हमने जो है पकड़ा है बैटरी रिक्शा। कानपुर का जो बड़ा मॉल है वो आज एक्सप्लोर करेंगे, मॉल घूम के आते हैं और वहाँ कुछ अगर चीज़ें मुझे मिलती है तो आपको दिखाऊंगा। तो चलिए मॉल का रास्ता कानपुर का मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ बैक कैमरे से। तो यहाँ 11 बजे है और फिर भी ट्रैफिक दस की दस है भैया। यहाँ कानपुर सिटी में बहुत ही ट्रैफिक है, शायद जब मेट्रो हो जाएंगी तो हो सकता है कि ट्रैफिक थोड़ी कम हो। यही कल जो बात है मैंने लाइटिंग में पड़ी थी, कानपुर का क्या हाल चाल वहाँ आपका अपना लाइट। और यही मॉल है, ये देख सकते हैं सामने मॉल की बिल्डिंग आ चुकी है। देख सकते हैं कितना ट्रैफिक रहता है बड़ा चौराहा वाला मॉल। मॉल के एंट्रेंस में जाएंगे, कल भी यही ट्रैफिक में फंसे थे, आज भी यही ट्रैफिक में फंसे है, सब पैदल चलना मुश्किल है। ये देखो लड़की आ गया है बड़ा चौराहा। अभी जो है सामने यहाँ से, अरे ये आउटसाइड से क्यों घुमा है बाबा, आउटसाइड से घुमा दिए। ये गेट है, ये गेट है पक्का। तो अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये झड़स की ओर मॉल है बड़ा चौराहा में कानपुर में। देख सकते हैं ये झड़स की ओर मॉल कितना बड़ा है, बहुत ही बड़े एरिया में ये बनाया हुआ है। देखिए ये सिक्योरिटी या एंट्रेंस है, सिक्योरिटी एंट्रेंस से मैं जाऊंगा अभी। ओ बहुत ही बढ़िया ऐसा ये मनमोहक ऐसा ये मॉल है। अंदर जो है आपको कपड़े के लिए है, अभी तो मैं अंदर नहीं एंट्रेंस में ही हूँ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत। नहीं नीचे कौन सा स्टोर है? ये नीचे बिग बाज़ार है। बिग बाज़ार है, बिग बाज़ार में आपको मिलता है जैसे खाने की चीज़ें हो गई, फ्रूट्स हो गए। अच्छा, बाकी चीज़ें वही तो ग्रोसरी सामान बोल रहा हूँ, घर के लिए जो लगता है वही सामान बिग बाज़ार में मिलता है। सूट भी मिलते हैं, पैंट शर्ट भी मिलती है, पैंट शर्ट भी मिलते हैं, टी शर्ट भी मिलती है, टी शर्ट भी मिलते हैं नीचे बिग बाज़ार में। तो अभी वही खाने के लिए, क्योंकि भूख लग चुकी है, करीबन 11 बज चुके हैं, तो थर्ड फ्लोर में ही मैं जाऊँगा क्योंकि आप बहुत महंगे महंगे आइटम है। ये देख सकते घड़ी का नज़ारा, आप देख सकते कितना सुंदर ऐसा ये मॉल है। वो घूमते घूमते देख सकते हैं मॉल का पूरा नज़ारा, बहुत ही बढ़िया ऐसा ये सुंदर झड़स की ओर मॉल है कानपुर का। तो ये स्लाइडिंग एरिया से मैं जाऊंगा और आपको देख, पूरा कपड़े का दुकान दिख रहा है मुझे। ये जो फर्स्ट फ्लोर है, मतलब ये ग्राउंड फ्लोर है, पहला ही फर्स्ट फ्लोर था, ये सेकंड फ्लोर है। और एरो की दुकान और ये बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों की दुकान आपको मिल जाएंगी यहाँ, जो भी आप ख़रीदना चाहेंगे वहाँ लेंगे। और सेल्फी के लिए ये देखिए बहुत ही बड़ा सेल्फी पॉइंट यहाँ बनाया हुआ है। तो चलिए अभी चलते चलते जितना शूट हो जाता है ये जो वो लाइफ स्टाइल के कपड़े 199 से लेके देखता हूँ पहले मुझे जो है भैया। ओहो हो हो, ये यहाँ से मुझे जाना पड़ेगा ऊपर, तो देख सकते हैं आप, तो थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं है, घूमना हमारे फितरत नहीं है, जितना हम घूमेंगे उतना अच्छा है। यहाँ मुझे 1 बजे तक घूमना ही घूमना है, टाइम पास। ये सैमसंग का फ़ोन अगर आपको लेना है तो ले सकते हो भैया, यहाँ देख सकते हो सैमसंग कॉटन कल्चर सैमसंग।
बहुत सारे ऐसे वैरायटी वाले हैं, किड्स प्ले एरिया, फूड कोर्ट एंड सिनेमा। ये है फूड कोर्ट एंड सिनेमा है, ये देखते हैं यही दिखाया। तो चलो ये तीसरे मंजिल से मैं आपको थोड़ा सा नीचे का व्यू फिल्माता हूँ। बहुत ही बढ़िया ऐसा ये सिनेरियो है, देखिए नीचे का लाइटिंग से। यहाँ कूलर, रिलायंस डिजिटल, टीवी वगैरह आप खरीद सकते हो, और यहाँ आप लैपटॉप भी खरीद सकते हो अच्छे अच्छे वाले। आप लिनो का स्टोर भी है भैया इधर, बहुत ही बढ़िया है ये। तो किड्स वेयर्स, किड्स वे एरिया है इधर, बच्चों के शायद खेलने के ये किड्स वेयर एरिया है, बहुत ही बढ़िया। आएंगे दोबारा फैमिली को साथ में जरूर लाएंगे। ये देखिए रिलायंस डिजिटल, और ये देखिए उधर क्रॉसवर्ड्स है, और वहाँ से शायद मैं घूम चुका हूँ, और यहाँ से थोड़ा सा नीचे का नज़ारा मैं फिल्माता हूँ। ये देखिए सेल्फी पॉइंट कितना बढ़िया तरीके से बनाया हुआ, ये देख सकते हो ये स्लाइडिंग्स और ये सेल्फी पॉइंट। देखिए पूरा लुक यहाँ से मैं आपको कवर कर रहा हूँ, ये ट्रेंड्स मॉल का। ये देखिए बहुत ही बढ़िया ऐसा लग रहा है। तो मुझे थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाना है, तो चलिए अभी घूम रहा हूँ मैं ये जर्स का स्मॉल, और जितना कवर है तो ऊपर के इसमें जो है कबूतर भी मुझे दिख गए भैया। देखते हैं खाने के लिए अभी क्या क्या यहाँ मिलता है। बहुत ही अच्छा है ये जर्स स्क्वायर मॉल है, मज़ा आ गया। और मॉल में घूमने का मज़ा आता ही है, एक तो यहाँ रहता है भैया एसी, और एसी में घूमने का मज़ा कहीं और ही है। तो थोड़ा पहले ये देखिए यहाँ भी सेल्फी पॉइंट, जहाँ जहाँ जाएंगे आप वहाँ वहाँ से। यह लिफ्ट भी है लेकिन लिफ्ट से मैं नहीं जाऊँगा, एक कॉटन कल्चर, और एक कॉटन कल्चर में बहुत ही महंगे महंगे कपड़े यहाँ मुझे दिख रहे हैं। देखते हैं भैया कॉटन कल्चर में इसके रेट्स क्या है, देखते हैं। बहुत ही महंगे 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 दिख रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, अगर पसंद आए तो जरूर। ये देखिए जर्स क्योर स्मॉल जिसके मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो बैस के सामान आपको मिल जाएंगे भैया। ये पूरा घर के एसेसरी के सामान, सुपर 99, ये बहुत सारे 99, सुपर 99 ऐसे जो नाम रहते हैं, कप्स मिलते हैं यहाँ अलग अलग प्रकार के। ग्रोसरी के सामान यहाँ मिलते हैं सुपर 99 में, आप देख सकते हैं मैं कवर कर रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया चश्मे, गॉगल्स, सब सारी चीज़ें मिलती हैं। तो अभी थोड़ा सा मुझे ऊपर जाना है, जितना कवर हो सके उतना मैं कर रहा हूँ। ये देखिए ये इसी से जो है मैं ऊपर की तरफ जाऊँगा और देखूँगा खाने के लिए क्या मिलता है भाई। ये देखिए यहाँ से पर्स, पर्स तो बहुत महंगे महंगे मिलेंगे, शायद KFC भी है तो वो भी खा लूँगा मैं। देखिए ये KFC अभी शायद सवेर के 11-12 बजे तो ढंग से चालू नहीं है, तो ये धीरे धीरे चालू हो जाएंगे। और यहाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बैठे हैं भाई, देख सकते हैं आप एक दूसरे के साथ बैठे हुए। और ये बारबेक्यू नेशन जाते हैं चालू हो गए, देखो कितने सारे चेयर्स ही चेयर्स लगाए हैं यहाँ, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से ये मॉल है। और ये आखिरी का मंजिल है, और आखिरी के मंजिल से भी सारा नीचे का पूरा फिल्म मैं आपको फिल्मा देता हूँ जेड स्क्वायर स्मॉल का, ये देख सकते हैं। और ये देखिए थोड़ा सा गर्दी का सामान जो है कमी है, यहाँ थोड़ी लड़कियाँ मस्तियाँ कर रही है भैया, और देख सकते हैं कितना बढ़िया है ये
फ्लोर पे मैं आया हूँ ट्रेंडी कबाबे का, है ना। तो बहुत ही बढ़िया ऐसा ये माल है, शायद बारबेक्यू नेशन से जो चालू नहीं हुआ है। इधर बर्जर किंग भी है, देखता हूँ पूछताछ करता हूँ, अगर कुछ मिलता है तो ज़रूर खाता हूँ। ज़रा देखते ही देखिए बारबेक्यू नेशंस, तो यही आज थोड़ा देखते हैं कि कब शुरू होता है ये बारबेक्यू नेशन। ये कब चालू होगा ये बारबेक्यू? हाँ 12 बजे। अभी क्या टाइम? 12 बजे भाई बारबेक्यू शुरू हो जाएगा ये बारबेक्यू। तो आज थोड़ा बारबेक्यू में बैठ के यहाँ खाएंगे या टेबल पे बैठ के, और फिर यहाँ से निकलेंगे। और ये बर्जर किंग भी है यहाँ, ये बर्जर किंग में क्या है पिज़्ज़ा गिज़ा होगा शायद बर्जर किंग में। और इधर जो है बिस्टा 57। तो अभी मैं बारबेक्यू में बुक किया हूँ खाना, नॉनवेज वाला खा के जाऊँगा यहाँ से। करीबन जो है 12:15 बजे जो है यहाँ बारबेक्यू भी शुरू हो जाएगा। ये देखो मेरे पीछे लोग जो है ना ये हंस रहे हैं, आप देख सकते हैं। खाना है बारबेक्यू में तो भैया इधर उधर पैसा वेस्टेज क्यों करें, तब तक आपको फिल्माते हैं सारा नज़ारा ऊपर के इसका। जगह जगह पे बैठे हैं भैया यहाँ लोग, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, क्योंकि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को भी यहाँ मिलने का जो है भैया एकांत मिल जाता है। ये देखो ये गर्लफ्रेंड से अपने बॉयफ्रेंड की जो है वेट कर रही है, फ़ोन पे बात कर रही है, आप देख सकते हो। बहुत सारे कपल्स मुझे यहाँ मिले बारबेक्यू में। ये देखिए बड़े पड़े बैठे हुए सारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड यहाँ आपको दिख जाते हैं। ये देख सकते हैं फन सिटी, बच्चों को खेलने की सिटी। ये टोको बेल करके है भैया, ये टोको बेल ये भी खाने पीने की चीज़ है। और ये है आइनॉक्स, या पिक्चर तो मैं देखूंगा नहीं, ये आइनॉक्स है मतलब पिक्चर है। अभी कौन सी फिल्म चालू है देखते हैं। मैडम कौन सी फिल्म चालू है? तो यह पोस्टर लगते नहीं है क्या? देखते हैं यहाँ कानपुर में जो है कौन सी फिल्म चलती है। बच्चे लिए फास्ट टैक्स केरला स्टोरी का कितनी टिकट चाहिए सर? एक टिकट 400, 200, 190। अच्छा 190 भी। कब चालू होने वाली है केरला? 12:40। और ख़त्म? ख़त्म होगी आपकी 3:20 पे। और ये तो लिफ्ट से जाते हैं भाई, चलो ये लिफ्ट से घूमते हैं। अरे रुको भैया, 1,80,000 की है, 2,50,000 की, 5,50,000। हाँ मोबाइल की बात है, फ़ोन फैक्ट्री यहाँ से है ना। चलो तो चलिए भाई, यहाँ तो मैं आ चुका होता हूँ, अभी जाता हूँ फ़ोन फैक्ट्री और देखता हूँ कुछ चीज़ें मिलती है क्या फ़ोन फैक्ट्री में। अगर मिलती है तो ज़रूर खरीदेंगे, तब तक आपको मॉल का जो है नज़ारा हम रूबरू कराते हैं। ये देखिए घूमर ट्रेडिशनल मॉल, अभी बार की बारबेक्यू में ही खाना है। अभी 12 तो मतलब बज चुके हैं और आधा घंटा ज़रा फ़ोन फैक्ट्री में घूमते हैं भाई। और ये देखिए नीचे का नज़ारा एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं, बहुत ही बढ़िया है ये नीचे का नज़ारा। ओह हो बहुत ही अच्छा ये व्यू आ रहा है भाई, और ये लाइफ स्टाइल है यहाँ, आपको मिल जाएंगे टी शर्ट वी शर्ट चिप्स भी आ रहे। हरा पैसों का खेल है भैया, जितना मॉल में आना मतलब एक तो आप फ्री में भी घूम सकते हो और कुछ चीज़ें सस्ती भी रहती है। ऐसा नहीं है मॉल में कुछ कुछ चीज़ें बाहर नहीं लगती अच्छी, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो है सस्ती भी रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये क्लब फॉक्स बहुत ही अच्छा अच्छा जूस का दुकान भी है, देखते हैं आप। ये फ़ोन फैक्ट्री दुकान का है? फ़ोन फैक्ट्री
ये वाला फोन पैक के सामने। ओ चलो, फोन पैक की दुकान वो जो ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गया है। आप देखिए कितना बढ़िया स्टैंड है यार। देखिए ये लैपटॉप स्टैंड, और नीचे करना है तो देखिए। मॉल है ये, देख सकते हैं। यही सही स्लाइडिंग से मैं जाऊंगा। यहाँ सारे जवान लड़कियाँ लड़के घूमते रहते हैं। तो चलिए ये देखिए ऊपर चला जाऊंगा। थैंक यू। ये क्या चीज़ है? सोप। जरा खोल के दे दो यार। तो अभी मैंने यहाँ बारबेक्यू निशिन में बहुत ही अच्छा और बढ़िया स्वादिष्ट नॉनवेज खाना खाया, और अभी मैं निकल चुका हूँ बार के बाहर क्योंकि मुझे अभी जाना पड़ेगा। तो जाते जाते यही आपको बोलना चाहूँगा, अगर ये मेरा छोटा सा ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो मेरे छोटे से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और एक छोटा सा कमेंट भी मार देना, ताकि आने वाले समय में मैं आपके लिए इससे भी अच्छे अच्छे ब्लॉग लाते रहूँगा। अगर आपका प्यार हमारे ऊपर बने रहेगा तो, और मेरे हाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई, ताकि मुझे और वीडियो बनाने में चालना मिल सके।